हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और भी आज जो आप आवाज़ में खनक देख रहे हो ना, वो आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, और जिसकी वजह से वो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड्स देख रहे हो। मैंने आज के वीडियो में म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं डाला फोटोग्राफ्स पे। आज का जो मेरा वीडियो है ना, जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, कि जो एक ड्रीम था ना, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है। और बहुत जद्दोजहद करी है, और अक्टूबर से मैं इस जद्दोजहद में लगी पड़ी हूँ। ना जाने कितने शोरूम देख डाले, कितना कुछ कर डाला, बट नहीं हो पाया। लेकिन माशाल्लाह, आज आप सबकी दुआओं से, आप सबके रहमो करम से अपी का लाइफ का बहुत बड़ा एक और दिन, एक और उम्मीद, एक और ख्वाब पूरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, हम आए हैं अपने घर के लिए एसी लेने के लिए। आप लोग हमेशा कहते थे अपी आप एसी लगवा लो, एसी लगवा लो। तो जी हाँ, आपकी अपी ने अब एसी लगवा लिया। और आप देख सकते हो कि मिनाज उन लोगों से डील कर रही है। भाई, मिनाज ने मुझे इतनी अच्छी डील दिलवाई है ना, उसकी बातों से, उसके ज्ञान इतना ज़्यादा है ना, कि भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और हम दोनों बहनें एसी लेने के लिए गए, और मैंने किसी को भी नहीं बताया था, इवन नॉट इवन हस्बैंड भी, क्योंकि हम लोग शोरूम के चक्कर ऑनलाइन सब देख लिया था, बट कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन आज हमें हमारा एसी जो है ना, फिलहाल अभी ढूंढ रहे हैं। शायद यहाँ पर हमें फिक्स हो जाए। हम 3-4 स्टोर जा चुके हैं, और वहाँ पर हमें नहीं मतलब ठीक लगा, तो इधर मिनाज को लेकर आए हैं। और हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर बात और बारिंग दोनों करके सोचा। मैं आपको भी टिप्स बताऊँगी, अगर आप में से कुछ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया, हम सब प्लान कर रहे हैं एसी लेने का, तो अगर आप में से कोई लोग चाहते हैं अभी अच्छे एसी जिसमें सारी चीज़ें हों जो एक एसी में होनी चाहिए, प्लस रीजनेबल चार्जेस, तो बस आप ये चैनल देख रहे हैं। आगे कभी किसी दिन छुट्टी मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा डिस्काउंट स्टोर के बारे में भी बता रहे हैं। स्टोर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपने बैठने और आप भी वही। अच्छा, मेरा ना बड़ा मन था ऐसे ना शोरूम के अंदर फ़ोटो खिंचवाने का किसी प्रोडक्ट के आगे, बट मुझे तब ये था जब हम उसको बाय कर लें, जब हम उसे ख़रीद लें उसके बाद हम उसके आगे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारी डील ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, और डन हो गया है हमारा एसी। हमने 3-4 शोरूम के बाद हमें ये वाला ये समझ में आया। यहाँ के जो भैया थे बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करा, अच्छी डील दी हमें। और बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से अल्फिया कर रही है हमारा वीडियो शूट, और अल्फिया इतनी खुश है माशाल्लाह। मेरे बच्चे इतने खुश थे। इनायत को तो मैं बता के नहीं गई थी, अफू को अपने साथ लेके गई थी, और अफू बार बार मम्मा मुझे आइसक्रीम खिलाओ। मैंने एक ही बात बोली कि बेटा जब मम्मा पेमेंट कर देंगी और स्लिप बिल मम्मा के हाथ में आ जाए, मैं तुरंत आपको इसी आइसक्रीम खिलाऊंगी। तो जी हो गया वो काम। तो जी फाइनली एसी ले लिया है हम लोगों ने, और अफू खुश हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं आइसक्रीम से। हम लोग खुश हैं, मिनाज कुछ चुप ही नहीं खा रही है, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और अब डिनर टाइम हो गया है। सो डिनर ही करना है, सीधा डिनर करना है। और मैं भी टिक्की खाने के मूड में थी, पैक तो नहीं करानी है मेरे को। नहीं, पैक नहीं, मेरे को अभी खानी नहीं है, भाई जी वेट कर रहे हैं, लेट बहुत हो गया हमको। हाँ ठीक है, ठीक है, संडे को पार्टी देंगे इंशाल्लाह। फिलहाल ओके हम लोग, और लेकिन हम लोग थोड़ा थक गए क्योंकि हम लोग बहुत देर से, हम तो सीधे ऑफिस से ही आ गए यहाँ पे, और अभी हम लोग ने सब सामान वामान ले लिया, तो थोड़ा थक गए, लेकिन उसके बाद हम खुश भी बहुत हैं। तो गाइज, रात को तो मैंने वहीं वीडियो ख़त्म कर दिया था, अब है मॉर्निंग का टाइम, और आज हमारा एसी हमारे घर पे आ जाएगा, और इंसुलेशन भी हो जाएगी। मिनाज ने सारी बात कर लीजिए, मैं तो बस खुश हूँ। मैं उस बिल के साथ इतनी खुश हूँ जो मैं पेमेंट कर आई ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने आज हमें ये दिन भी दिखाया कि बस बहुत 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 सोचती थी। और मैं जल्दी जल्दी सारे काम करती, सुबह के अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, अर्ली मॉर्निंग है, मुझे तो पता, रात भर नींद भी नहीं आई थी। खुशी जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा थी। और अभी आप टाइम देख सकते हो, कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 7:30 आई थिंक, नहीं 8:30 हो रहे हैं, पता नहीं। आ जाइए आप लोग भी, खीर तो 8 बजे थे, और बस यहाँ पर बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, मैं बताती हूँ क्यों। पता है मेरा मन क्या कर रहा था कि मैं बैठ के खीर मेरे लिए इतनी स्पेशल क्यों है,
एसी आ गया, एसी आ गया। जी हाँ, मेरा मतलब हमारे घर में एसी आ गया, इंसुलेशन भी हो रही है। मैं ना भाई साहब इतना डर रही थी, इतना डर रही थी। जैसे ये भैया है ना, मैं फ़ौरन मम्मा के पास गई। मैंने, मम्मा आप घर पे आ सकते हो, 3:30 बज रहे हैं। और मम्मी का हाँ क्यों, अंदर भी दे दिए मैंने। और आज हमारा एसी लग रहा है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ठंडाई बनाई है, सबको तो दे दी, मैं अपने बच्चों को देने जा रही हूँ। ठीक है, चलो जी ठंडाई दे देते हैं। अरे यहाँ पे मम्मा आई हुई हैं, लो। अरे यहाँ पे मम्मा आई हुई हैं क्योंकि एसी लग रहा है हमारा। और भैया अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। अब रिश्ता ऐसे पी के बैठ गए जैसे हमने उसे कुछ दिया ही नहीं। चाय तो राजू नहीं, भैया की तरह राजू को ये दे के पीछे मुड़ी हूँ मैं, पीछे मुड़ के ले रानी। ले खाली ग्लास भी दे दिया, इतनी जोर से गुस्सा आया मुझे। हाँ जी, है पूरा पी लिया ना है तू, आपने भी। अरे वाह, सही है। मम्मा रोज 1.5 किलो दूध आ रहा था। मेरे को अभी वो इंतज़ार है, जब अल्लाह तेरा शुक्र है बुलबुल को कॉल करूँगी ना, वीडियो कॉल उसका। तो अभी एसी लग रहा है, काम चल रहा है और मम्मा स्टिल बैठी हुई है मेरे लिए। अरे मम्मा पैसे हर उसमें अच्छे लगते हो। चलो अब मैंने बता दिया कि मम्मा आप वीडियो बन रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। अब अपने मुँह से बताओ आपकी तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बुलंद आवाज में बोलो ना, जैसे अभी बात कर रहे थे। क्या हाल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। सुन लिया? हाँ सुन लिया। कितने लोगों ने बताया दुआएं करी आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ मैं, ऐसे ही अच्छे रहो हमेशा। और जो मेरे लिए दुआएं करते हैं अल्लाह उनके लिए डबल दुआएं मेरी तरफ। आमीन। चलो जी, मम्मी को देख लिया, बहुत टाइम से कह रहे थे कि आंटी कैसी हैं कैसी हैं। आंटी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक। तो गाइस, मम्मी एसी लग गया हमारा। हाँ जी, बहुत खुशी में। अल्लाह तुम्हें नेकियां दे, अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्ती दे, तुम्हारे शोहर को भी और तुम्हें भी तरक्की दे। हाँ जी आमीन। और तुम अपने इसको मोनिटाइजर कराओ जल्दी से जल्दी। मम्मा मोनिटाइजर तो कब का हो गया मेरा चैनल। हाँ। और सब्सक्राइबर बढ़े, ये बोलो आप, सब्सक्राइबर बढ़े। हाँ। भाई सब्सक्राइबर बढ़ जाओ इसके। माशाल्लाह से वैसे तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन और बढ़े हैं, और बढ़े। हाँ। और बढ़ जाओ। मम्मा कितनी खुश है आज, मम्मी बहुत खुश। और पता है मम्मी इतना नहीं बैठती है आज मेरे इसी के वजह से। मम्मी 3 बजे से जो यहाँ पर आके बैठी है ना, 3:30 बजे से लिटरली। और स्माइल आप देख सकते, बच्चों की खुशी के लिए तो करना पड़ता है ना भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फाइनली वो मैं लुक आपको दिखाऊंगी जब पूरा हो जाएगा एसी का, तब दिखाऊंगी। अभी हमारे भाई लगे पड़े हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं। कभी हम कह रहे हैं बूंदी मंगा ले, कभी हम कह रहे हैं रसगुल्ले मंगाए। वैसे मिठाई आ रही है, आसू जी को बोल दिया है, आई एम श्योर वो भी आ रही है। हाँ 8:30 बजे तक आ जाएंगे वो भी। 8 तो बज गया। हाँ तब तक इतने बज रहे हैं। तो चलो गाइज, मैं आपको फिर दिखाऊंगी अभी आज मम्मी का और मेरा। चल गया समीर बाबू, चल गया समीर बाबू, चल गया। तो जी आप देख सकते हैं, और भाई अब एसी लग चुका है, अब चल रही हैं सफाइयाँ धुलाइयाँ। मैं रात में ही शुरू हो गई थी, और आज रात में इतनी थक गई थी ना कि मेरे से खाना भी नहीं बन पाया था। फिर आसिफ जी बाहर से लेकर आए थे, हमारे ऊपर रहती है, उन्होंने हमें खाना दिया था, रेंट पे रहते। तो उन्होंने कहा बाजी आज आप बहुत थक गए, आपके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो खाना हमारी तरफ से होगा। तो बस लोग इतने अच्छे होते ना तो पॉजिटिवनेस आ जाती है। और मम्मा ने मेरी लाइफ में, शायद मैं इतनी बड़ी हो गई, पहली बार मेरी मम्मा ने जब मेरी पीठ थपथपाई ना, तब एहसास हुआ कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी राह पे चल रहे हैं। क्योंकि मम्मी से अप्रिशिएट करवाना अपने आप को बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कि जब आपके पेरेंट्स आपकी कम पीठ थपथपाते हैं ना, वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और मेरे लिए जो कि इतनी कम एजुकेशन और बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं करी है ज़्यादा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। गर्व की बात है कि मेरी मम्मा ने मेरी पीठ थपथपाई, और उन्होंने बहुत सारी दुआएँ दी और सचमुच में दी है। ये तो सचमुच में, मेरे पता रात को आँख खोली ना 3 बजे, मैंने देखा कि अरे हमारी छत, मतलब हमारी दीवार पे एसी लगा हुआ है। तो बस आँख में आंसू आ गए। फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी, और अल्लाह से इतनी
इतना शुक्र अदा करा कि शायद आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, बट नहीं भाई, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वो उसके लिए मैंने मिठाई भी मंगवा ली थी आशु जी से, और हमने मिठाई भी बांटी है, ये आ चुकी है सचिन दीदी से मिठाई। तो आ जाइए, आप सब भी मिठाई के हकदार हैं, आप सब इतनी सारी दुआएँ देते हो, तो दुआएँ लगती हैं डियर, दुआएँ लगती हैं। फल की कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना रखो, ये है। तो ये सारी मिठाइयाँ आपके लिए, आ जाइए आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, मुंह मीठा कर लीजिए, और मैं ये सारी मिठाइयाँ सबको बांटूँ अपनी खुशी में, मैं सबको शामिल करूँगी, सबको। और बस कूदू चीखू चिल्लाऊँ क्या करूँ, आप लोग भी अपनी कहीं से देख सकते हैं। और जिस दिन से मतलब ये कल से AC लगा है और इतनी ठंडी हवाएँ आ रही हैं, बस क्या करें। तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।